हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदेश यादव, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास का पार्ट 9 है, जो हमारी सीधे श्रृंखला की ओर आगे धीरे धीरे हम लोग गति प्रगति पर हैं और तो इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको पता है, जैसा कि हम क्लास को चालू करने के पहले एक मोटिवेशनल शायरी बोलते हैं जिससे आप लोगों को ऊर्जा मिले, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो तो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो तो इस कदर की मिसाल बन जाए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करें, हमने 5 तक क्वेश्चन कर लाए थे, जो आप लोगों अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो आप लोग देखा करो और उससे जुड़ा करो, क्योंकि बीच में आने से आपको नहीं पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से, कौन से मेथड से हुआ। तो जो पहली क्लास से जुड़ो, आपकी बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें जाके चेक करके आप लोग पहले एग्जांपल करो, फिर एक्सरसाइज पे। अभी इतनी क्लासेस नहीं हो कि आप लोग 2 से 3 दिन में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि कोई 20 मिनट की 30 मिनट की क्लासेस हैं। तो आज आप लोगों की क्लासेस कोशिश करेंगे सही टाइमिंग से, और अपने जो टाइमिंग है आपको उसी समय आपको सभी क्लासेस 9 PM पर मिला करेंगे। तो आप लोग इसकी चिंता मत करो, और पेपर तक आपका पूरी बुक का सोल्यूशन कराएंगे, इसकी गारंटी मेरी है, पूरी बुक का सोल्यूशन। चाहे मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, 3 घंटे की क्लास मिले ऑनलाइन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कह रहा कि 6 का ए पार्ट कि उस बिंदु का भुज ज्ञात करो, मतलब उस बिंदु का भुज ज्ञात करो, भुज ज्ञात करो जिसकी कोट 5 है और बिंदु 4,0 है, और उसकी दूरी दे रखी है कितनी, दूरी देख रही है 26, अंडर रूट 26 इकाई है। तो बिल्कुल इसमें डरने वाली क्वेश्चन की बात नहीं है। अब भुज क्या होते हैं हमने बताया, अब कोट क्या होती है, भुज ज्ञात करो, कोट दे रखी है। तो पहले समझो, जो हम कोई यहां से P दे रखा और Q दे रखा, Q की वैल्यू में दे रखी 4,0 और दूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी, √26। अब कह रहा है इसकी भुज ज्ञात करो, तो पहला क्या होता है भुज, दूसरा क्या होता है कोट। x और y, पहली क्या होती भुज, दूसरी क्या होती कोट। तो समझेगा, अगर भुज दे रखी तो कोट ज्ञात करनी पड़ेगी, कोट दे रखी होगी तो भुज ज्ञात करनी। तो हमारे पास क्या दे रहा है, भुज ज्ञात करना है, मतलब x की तो ज्ञात करना है, और कोट कितनी दे रखी 5। ओके, तो देखो ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2। अब फार्मूला क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का निकाल देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमें कितना दे रखा है देखना, 4 और माइनस एक्स प्लस y2 हमें कितना रखा 0 और y1 कितना 5, और डिस्टेंस हमें कितना रखा √26। अब क्या करेंगे, दोनों साइड वर्क करने पर तो हमारा स्क्वायर अंडर रूट कर जाएगा, 26 बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 5, अब 5 का स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखो 26 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a × b और प्लस का 5 का स्क्वायर 25। तो देखो 26 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4 × 8x प्लस के 25
अब 25 और 16 हम जोड़ेंगे, ये कितना 26, 25 और 16 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो देखो 26 ये किसमें बराबर है 26, अब हम क्या करेंगे प्लस की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, 16 को और 25 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस के 8x और 25 और 16 कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1 2 3 4 41, अब प्लस का करा के माइनस का हो जाएगा तो उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 41 माइनस के 26 इसको टू जीरो, तो x स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस 11 में से 6 गए 5 3 में से 2 गया 1 15 बराबर जीरो। अब हमें क्या करना है इसके गुणनफल करना, क्या करें कि यहाँ पे 15 आ जाए, अगर हम रूल लगाए तो क्या करें यहाँ पे कि 15 आ जाए, तुम क्या सोच सकते हैं आप लोग सोचो कि 15 कैसे आ जाए, 5 3 15 5 और 3 8 मतलब 5 × 3 = 15 और 5 + 3 = 8, तो ये रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5 + 3 x + 15 = 0, एक्स स्क्वायर अब इसकी इसमें होगी तो माइनस के 5x माइनस प्लस माइनस के 3x प्लस के 15 = 0, अब यहाँ से x कॉमन ले लिया क्या बचा x माइनस के 5, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन ले लिया क्या बचा x माइनस के 5, अब जो कॉमन यहाँ पे 3 × 3 = 15 3 × 3 = 15, अब इन दो में से एक को लिखते हैं तो x माइनस के 5 और इसको इसको एक साथ लिख लेते हैं x माइनस के 3, अब देखो बराबर 0 चल ही रहा है तो x माइनस के 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x माइनस के 3 बराबर x माइनस के 3 बराबर 0, माइनस का अगला का प्लस का कितने आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 3 द राइट आंसर। आप लोगों को आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो 6 का बी पार्ट है कि यह बिंदु 4 5 7 b के बीच की दूरी 5 है तो बी का मान बताना है, बिल्कुल सिंपल है उसी तरीके का हम पहले लिखेंगे x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 − x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 − y1 का होल स्क्वायर, ठीक, तो डिस्टेंस हमें कितना देखा 5, तो इसकी वैल्यू रखेंगे x2 हमारे पास कितना 7 और x1 कितना 4 का स्क्वायर, y2 में कितना रखा 20 माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर, ठीक। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इधर का अंडर रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 में से 4 का कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से अंडर रूट बेटा कहाँ गया इधर स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का 25 और प्लस माइनस 2a × b, बी में 5 5, अब देखो 25 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 25 और माइनस के 5 × 10 20, अब देखो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा तो 25 माइनस के 25 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 10b बराबर 0, तो 25 से 25 0 बचा रखे, अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे द्विघात समीकरण 2 x² + bx + c के फॉर्म में, और चिन्ह माइनस का तो माइनस का लगा सकते हैं, तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस के 10b माइनस के और प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब देखो मुझे देखना है क्या कि यहाँ पे गुणा करने पे तो हमें 9 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए, तो 9 × 1 = 9 और 9 + 1 = 10, तो देखो बी स्क्वायर माइनस
9 + 1 b + 9 = 0। अब देखो इसको ऐसे बना देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस इसके इसमें हो गए 9b + b + 9 = 0। तो b कॉमन ले लिया, तो b माइनस 9 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो b माइनस 9। अब कहोगे सर आप कैसे लाते माइनस का, हमें यहाँ इसका उल्टा चिन्ह लेना होता, अगर माइनस है तो प्लस का लेना होता क्योंकि हमें इसका सेम बनाना होता। तो b माइनस 1, अब इन दोनों में से एक को लिखेंगे b माइनस 9। अब देखो b माइनस के 9 बराबर 0, तो माइनस का आ जाएगा प्लस का b बराबर 1, और b माइनस के 9 बराबर 0, तो b 9 प्लस का आ माइनस का आ प्लस का इक्वल टू 0। तो हमारे 9 का 1 भैया 1 का 9 इज द करेक्ट आंसर। तो ठोको लाइक, और आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, आगे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन का हमारा है दूसरे तरीके का 7 का ए पार्ट है, 7 में बहुत सारे पार्ट हैं, तो कोशिश करेंगे आप लोगों को सभी पार्ट विद वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाए, तो आप लोग टेंशन ना लेना, वो आपके साथ आपका भाई संजय सर जुड़े हैं, बस आपके लिए हम जब इतनी मेहनत करें तो आपको भी इतना करना है। क्लास में जुड़ने से पहले 5-5 दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए कि बीएससी एग्रीकल्चर का डेली 9 PM पे आप लोगों की क्लास हो रही है। आप लोगों को और जिसके पास ऑफलाइन कोचिंग नहीं है तो वो मेरे चैनल से जुड़ के अच्छी तैयारी कर सकता है, तो उसकी टेंशन ना लें। कोर्स को हम पूरा विधिवत तरीके से एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन एग्जाम्पल सब बिल्कुल सुटेबल तरीके से कराएंगे, तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें बिल्कुल।